नमस्कार, मैं हूं स्मेलन सरे और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां ट्रक और स्कूटी के बीच आमने सामने की टक्कर होने से स्कूटी चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरे घायल हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, आनंद फानर में घटना स्थल पर पहुंचकर शिव को कब्जे में लेकर युवक को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भेजा गया। चिकित्सालय के द्वारा भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। पूरा मामला चकिया क्षेत्र के सिकंदरपुर सभी का है, जहां जनपद मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी रविंद्र किशोर 55 वर्ष, रामदास 24 वर्ष किसी कार हेतु सदेपुर जा रहे थे, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। रविशंकर की स्पेशल रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं हूं स्मेलन सारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। राजू पुत्र सकीर खान 36 घंटे से लापता थे, परिवार वाले वह ढूंढते रहे फिर लेकिन वहां कहीं नहीं मिले। ढूंढकर जब घर पहुंचे तो अपने खाते में मिले राजू पुत्र सकीर खान की सो अंदर तखत के नीचे मिले सो पूरा परिवार वालों में मचा कोहराम। परिवार वालों का कहना है कि राजू की हत्या कर दी गई है। मौके पर थाना मल्लीपुर के पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर सो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी छानबीन जारी है। भुजाओ के साथ लड्डन खान की स्पेशल रिपोर्ट।